हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके जो पर्सन हैं उनकी तरफ से क्या चैनल मैसेजेस हैं, क्या वो आपको कहना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है आपको रीडिंग में देखेंगे। गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी, जितना रेजोनेट करता है उतना रखना, बाकी को जाने देना है, बिकॉज के टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot313। अगर आप लोग पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ईमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको मेरा इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, ओके। और इंस्टा का जो आप मेरा आईडी का जो नेम है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब मैं स्टार्ट करूँगी रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस बनाएं आप अपना और पॉजिटिव रहें। इसको डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की तरफ से, उनके पर्सन की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उन क्या कहना चाहते हैं वो उनकी हायर सेल्फ। ओके, सो दो मैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट वी हैव लेसन। आई डिडंट नो व्हाट आई हैड अंटिल आई लॉस्ट इट। सो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लेसन मिल रहे हैं, ये पर्सन लेसन सीख रहा है। अब इस पर्सन को आपकी वर्थ समझ आ रही है। ये पर्सन कह रहा है कि ये इसको अब रियलाइज हो रहा है कि इस पर्सन ने क्या खो दिया है। बिकॉज जब तक आप लोग इस पर्सन के पास थे, इस पर्सन को आपका वर्थ ही नहीं पता थी, ठीक है। सो अब ये पर्सन को फील हो रहा है, जैसे इसको समझ नहीं आ रही कि इसने कौन सी ऐसी चीज़ खो दी है। ऑब्वियसली आप प्यार करते थे इस पर्सन से, लॉयल थे, सो ऑब्वियसली लॉयल्टी खो देना, इससे बड़ी कोई लॉस कुछ नहीं होता, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्लैरिटी। आई एम बिगनिंग टू सी व्हाट दिस कनेक्शन रियली। सो इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि ये पर्सन देख रहा है कि बेसिकली रियलिटी में ये कनेक्शन क्या है। अब इस पर्सन को वो चीज़ समझ आना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। पास में नहीं समझ आई, अब ये पर्सन फील कर रहा है, लेसन भी मिल रहे हैं। फुलिश। आई फील लाइक अ कम्प्लीट फूल फॉर नॉट सेइंग व्हाट आई रियली वांट। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेवकूफ़ फील कर रहा है, ओके। इस पर्सन को पता है कि ये टोटली फूल था जिसने वो नहीं कहा आपसे जो ये पर्सन वाकई में आपके लिए फील करता था या जो इस पर्सन को आपसे कहना चाहिए था। ऑब्वियसली ये पर्सन आपसे प्यार करता था, इस पर्सन ने आपको सही से नहीं बताया कि ये पर्सन क्या फील करता था, ओके। अब वो पर्सन को रियलाइज हो रहा है और लेसन भी मिल रहे हैं, क्लैरिटी भी मिल रही है। फॉरगिवनेस। कैन यू प्लीज स्टार्ट अवर। सो डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन को माफ़ करो और दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करो। सो प्लीज़ वो बोल रहा है कि आप कर सकते हो दोबारा इस रिलेशनशिप को स्टार्ट, पिछली बातें बुला के। नेक्स्ट वी हैव लेटिंग गो। वी नीड टू लेट ईच अदर गो सो वी कैन ग्रो। सो कुछ लोगों के पार्टनर्स कह रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे को लेट गो कर देना चाहिए ताकि आप दोनों अपनी लाइफ में ग्रो कर सको, ओके। बिकॉज आप ग्रो तभी कर सकते हो जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। सो ये पर्सन और आप इसका कंफर्ट जोन हो, सो आपको एक दूसरे को जाने देना चाहिए ताकि आप लोग ग्रो कर सको। अगर डिवाइन ने मिलवाना होगा तो दोबारा मिल जाओगे। ड्रीमिंग। आई एम हैविंग ड्रीम अबाउट यू। सो ये पर्सन काफ़ी ड्रीम देख रहा है आप लोगों के बारे में। ये पर्सन मुझे लगता है जागती आंखों से आपके लिए जो है ड्रीम देखता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, पसंद करता है, अब आपको मिस भी कर रहा है। ट्रस्ट। एवरीथिंग हैज़ अ वे ऑफ वर्किंग आउट इन द एंड। सो इस पर्सन को ट्रस्ट है कि हर चीज़ जो वर्क कर रही है, ठीक है, जैसी भी चीज़ें जा रही हैं एट द एंड वो चीज़ें वर्क करेंगी, आपके लिए वर्क करेंगी। आपका लाइक इस पर्सन से रीयूनियन होगा, इस पर्सन को बिलीव है इस चीज़ पे, इस पर्सन ने ट्रस्ट बनाया हुआ है अपना डिवाइन पे कि आप दोबारा ज़रूर मिलोगे, एट द एंड आपका हैप्पी एंड होगा। ब्यूटी। नो वन विल एवर कंपेयर टू यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। सो ये पर्सन कह रहा है कि आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी जो ब्यूटी है वो कोई भी कंपेयर नहीं करती किसी को भी आप, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल हो। जिस तरह आप ब्यूटीफुल हो इस पर्सन को वैसा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं लगता, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर। थॉट्स। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। सो ये पर्सन काफ़ी सोच रहा है आपको लेके, हमेशा इस पर्सन के सोचों में आप लोग हो और ड्रीमिंग भी करता है आप लोगों को लेके, लाइक इट मीन्स ये पर्सन बहुत सोच रहा है आपके बारे में। मनी। आई एम डीलिंग विथ फाइनेंशियल इशूज एट द मोमेंट एंड दिस नीड्स माई फुल अटेंशन। इस टाइम ये पर्सन फाइनेंशियल इश्यूज पे काम कर रहा है, ठीक है, दैट्स वाई इस टाइम ये पर्सन आपको आपकी तरफ नहीं आ सकता, बिकॉज अभी ये जो पर्सन अपनी मनी पे काम कर रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज पे काम कर रहा है, उस चीज़ को इस पर्सन की पूरी अटेंशन चाहिए, तभी कोई ये पर्सन की जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें स्टेबिलिटी आएगी या ये पर्सन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। बिकॉज मनी होगी तो आपका इस पर्सन के साथ कोई अच्छी ज़िंदगी जाएगी ना आगे, बिकॉज पैसे के बगैर तो अच्छा नहीं चल सकता, ठीक है। प्यार कितनी देर तक चलता है जब तक पैसा ही ना हो,
लाइक इन अ सेंस कि प्यार आप खा तो नहीं सकते, जब भूख लगे तो आपने पैसा होगा तो कुछ खाओगे ना। सो डेफिनेटली ये पर्सन अभी मनी पे काम कर रहा है और उस चीज़ को इसकी पूरी फुल अटेंशन चाहिए, दैट्स वाई ये पर्सन अभी आपकी तरफ नहीं आ रहा, ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में। अपोलॉजी, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, ये पर्सन आपसे अपोलॉजी चाह रहा है। यहाँ से फॉरगिवनेस का कार्ड भी है, टू टाइम्स रिपीट हुई है अपोलॉजी फॉरगिवनेस। ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन को माफ़ करो और दोबारा से चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान ठीक हों। लॉन्गिंग, आई मिस यू सो मच डैट इट हर्ट्स। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा है, इस पर्सन की सोल तड़प रही है आपके लिए, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। और सेकंड थिंग इज़ कि आपका यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट वी हैव डिवाइन टाइमिंग, आई नो इन माई हार्ट डैट वी विल मीट अगेन वेन द टाइम इज़ राइट फॉर इट। सो ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है कि जब टाइम डिवाइन टाइमिंग होगी डेफिनेटली आप लोग दोनों ज़रूर मिलोगे जब टाइम राइट होगा। यहाँ से भी ट्रस्ट का कार्ड है कि ये पर्सन को ट्रस्ट है आप दोनों मिलोगे। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने जब ट्रस्ट बनाया तो आप लोगों को भी ट्रस्ट बना कर रखना चाहिए कि जब मिलना होगा किस्मत में ज़रूर मिलोगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। मिस्टेक, द ग्रास वाज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सो ये पर्सन कह रहा है कि आप लोगों की मिस्टेक है, आप लोगों की गलती है। अगर आपको लगता है कि पर्सन हैप्पी नज़र आ रहा है तो ये सच में हैप्पी है, ऐसा नहीं है। ग्रास वाज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, खुश नज़र आ रहा है, डजंट मीन कि ये रियलिटी में खुश है। ओके, मिस अंडरस्टूड, आई फील अ विक्टम इन माई ओन लाइफ। सो ये पर्सन अपने आप को खुद विक्टम फील कर रहा है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट किया है, आपको अच्छे से समझा नहीं है। अब ये पर्सन खुद अपने आप को लग रहा है कि ये पर्सन विक्टम फील कर रहा है अपने आप को, जैसे इस पर्सन के साथ गलत हुआ है, जबकि गलत इस पर्सन ने आपके साथ किया है। लास्ट कार्ड लूँगी, सीक्रेट एडमायर, आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यस गाइज, ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर है। इस पर्सन ने हो सकता है आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना की हों। आपका क्रश हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई नेबरहुड हो सकता है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं पर भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सोशल मीडिया पर देखता है, इसने कभी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, या जिस पर्सन से आप प्यार करते हो ये पर्सन भी आपसे प्यार करता है बट आपको अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताई, आपसे अपनी फीलिंग्स इस पर्सन ने छुपाई हैं। तो अब ये पर्सन आपको बताना चाहता है अपनी फीलिंग्स, बट उस पर्सन को डिवाइन टाइमिंग पे वेट है कि जब डिवाइन टाइमिंग होगी देन राइट टाइम होगा, आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा, ठीक है। यहाँ से है अवेकनिंग, आई एम बिकमिंग माई ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि बेसिकली ये पर्सन को किस चीज़ के लिए दुनिया में भेजा गया है, इस पर्सन की सोल का पर्पस क्या है, ठीक है। चीज़ें बहुत समझ आ रही हैं, आपका कनेक्शन भी इस पर्सन को समझ आ रहा है। यहाँ से लेसन का कार्ड है और यहाँ से क्लैरिटी का कार्ड है, ठीक है। सो गाइस, ये रीडिंग थी आपके पर्सन की तरफ से, एंड यहाँ से है रनिंग, आई नीड टाइम अपार्ट फ्रॉम यू टू फिगर थिंग्स आउट ऑन माई ओन, दिस इज ऑल जस्ट टू इंटेंस। ये आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है? सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा आजकल रीडिंग्स में आ रही है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों का सोलमेट कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रनर चेजर की एनर्जी है मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आप रन करते हो, कभी ये चेज़ करता है, कभी ये चेज़ करता है, आप रन करते हो, ठीक है। सो इस टाइम आप दोनों को एक दूसरे से अलहदा रहने की ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को फिगर आउट कर सको, ठीक है। बिकॉज अभी ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है, जितना पीछे भागोगे इस पर्सन के ये उतना आगे भागेगा, इसीलिए आपने भागना नहीं है, स्टॉप करो, अपने आप पे फोकस करो और इंजॉय करो अपनी लाइफ। डिवाइन टाइमिंग आएगी तो रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा, ये पर्सन खुद ही आपके पास आ जाएगा या आप इस पर्सन के पास पहुंच जाओगे। सो गाइस, ये मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से, आई होप आपको अच्छे लगे हों। कुछ भी रेजोनेट किया हो, रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।